हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं चंद्रकांत कोटेचा आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ राग यमन की एक और स्वर मालिका लेकर। यह स्वर मालिका पंडित भातखंडे जी की पुस्तक क्रमिक पुस्तक मालिका भाग एक में निबद्ध की हुई लिखी हुई है। तो यही स्वर मालिका आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ बांसुरी में और फिर उसकी नोटेशन स्वरों में गाकर, ताकि आपको अगर ये सीखना है तो सीख सके। तो सबसे पहले देखते हैं इसको ताल के साथ बांसुरी पर बजाते हुए। अब देखते हैं इसकी पहली लाइन, नीद प म प ग म प प म ग रे। नीद प म प ग म प प म ग रे। दूसरी लाइन, सा रे ग रे ग म प ध प म ग रे ग रे सा। सा रे ग रे ग म प ध प म ग रे ग रे सा। तीसरी लाइन, नी रे ग म प द नी सा रे सा नी द प म ग म। नी रे ग म प द नी सा रे सा नी द प म ग म। नी द प म प ग म प प म ग रे। अभी अंतरा देख लेते हैं। अंतरे की पहली लाइन, ग ग प ध प सा सा नी रे ग रे सा नी द प। ग ग प ध प सा सा नी रे ग रे सा नी द प। ग रे सा नी द प म ग रे सा। ग रे सा नी द प म ग रे ग रे सा। नी रे ग म प द नी सा रे सा नी द प म ग म। ग
रे सा नी द प म ग म नी द प म प ग म प। अंतरे की लास्ट लाइन के बाद तुरंत स्थाई की पहली लाइन एड ज्वाइन करनी है। नी रे ग म प द नी सा रे सा नी द प म ग म नी द प म प ग म प प म ग रे नी द प म प ग म नी द प म प ग म नी द प म प ग म प प म ग रे नी द नी रे ग रे नी रे सा। अब देखते हैं ये पूरी बंदिश स्वरों में ताल के साथ गाते हैं। ये ताल है तीन ताल 140 बीट्स पर मिनट स्पीड और स्वर है काली पांच ए शार्प। नी द प म प ग म प प म ग रे नी द प म प ग म प प म ग रे सा रे ग रे ग म प द प म ग रे सा नी रे ग म प द नी सा रे सा नी द प म ग म नी द प म ग प ध प सा सा नी रे ग रे सा नी द प ग ग प ध प सा सा नी रे ग रे सा नी द प ग रे सा नी द प म ग रे ग रे सा नी रे ग म प ध नी सा रे सा नी द प म ग म नी द प म प ग म प प म ग रे नी द प म प ग म नी द प म प ग म नी द प म प ग म प प म ग रे ग रे नी द नी रे ग नी द सा। तो ये थी पंडित भातखंडे जी की पुस्तक क्रमिक पुस्तक मालिका पार्ट वन में लिखी हुई यमन राग की स्वर मालिका। यमन राग तो आप जानते ही होंगे, इसमें सिर्फ केवल म तीव्र आता है, बाकी सारे स्वर शुद्ध हैं और ये संपूर्ण जाति का राग है। सारे स्वर का इसमें उपयोग होता है, सिर्फ म तीव्र लगता है। तो ये स्वर मालिका बहुत अच्छी है। इसके साथ आप आगे थोड़ा आलाप और पीछे थोड़ी तान करके इसको भी आप चाहें तो पूरी एक प्रस्तुति तैयार कर सकते हैं 10-15-20 मिनट की। तो ये मैंने स्वर के साथ गाकर और बजाकर आपके सामने पेश की है। आशा करता हूँ आप ये सुनने के बाद पूरी बंदिश सीख पाएंगे। अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि आपको और भी इस तरह के ट्यूटोरियल मिलते रहे। मैं चंद्रकांत कोटेचा आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।